कॉन्टिन्यू विद चैप्टर कैश फ्रो स्टेटमेंट इंटरैक्ट मैथड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री रिवाइज इन द लियर वीडियोज़ वी हैव डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्रो फ्राम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्रो फ्राम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर इन्वैस्टिंग एक्टिविटीज की बात करें तो इसमें हम सिर्फ फिक्सड एसिट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया सो लेटर्स हैव अ लुक ऑन द आइटम्स अंडर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्सड एसेट हम किसी फिक्सड एसेट को बेचते हैं तो बेच कर अगर हमें पैसा मिलता है तो पैसा कंपनी में इनफ्लो होता है इसलिए हम इसको पॉजिटिव दिखा देंगे प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकेला वर्ड इन्वेस्टमेंट लिखा गया है तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसमें हम करंट इन्वेस्टमेंट को इन्क्लूड नहीं करते बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विलेंस बिकॉज हाईली वॉलेटाइल नेचर की है सो so, अगर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को बेचा है तो पैसे इनफ्लो हो रहे हैं तो यहां दिखा देंगे पॉजिटिव आइटम प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट अगर सिमिलरली इंटेंजिबल एसेट को बेचा है तो बेचकर पैसे इनफ्लो हो रहे हैं तो यहाँ उसको पॉजिटिव दिखा देंगे देन इट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनी ओनली नॉन फाइनेंशियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हम यहाँ बात कर रहे हैं जिसका मेन काम होता है प्रोडक्ट को बनाना और बेचना तो ऐसी कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट कर देती हैं या किसी के शेयर्स खरीद लेती हैं जो उनका मेन टास्क नहीं है तो उसके ऊपर उनको डिविडेंट या इंटरेस्ट मिलता है तो वो उनके लिए एक तरह की इनकम ही होगी बिकॉज ये जो उन्होंने बाहर वाली कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदे हैं या बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो उनकी वो इन्वेस्टमेंट में ही काउंट होता है देन रेंट रिसीव्ड सो कंपनी ने कोई अपनी प्रॉपर्टी या कोई एसेट किसी को रेंट पे दे दी, दी है उसके ऊपर उसको रेंट मिल रहा है सो दैट विल बी कंसिडर इनकम फ्रॉम द कंपनी सो so, पॉजिटिव यहां दिखा देंगे प्रोसीडिंग फर्दर पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्सड एसेट अगर हम किसी फिक्सड एसेट को खरीदते हैं तो पैसे का आउटफ्लो होता है पैसा बाहर जा रहा है इसलिए हम उसको नेगेटिव आइटम दिखाएंगे और नेगेटिव आइटम को हम हमेशा ब्रैकेट्स में दिखाते हैं पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम किसी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं तो पैसे का आउटफ्लो होता है अगेन उसको नेगेटिव आइटम दिखा देंगे पेमेंट फ्रॉम परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट अगर किसी इनटेंजिबल एसेट को खरीदते हैं तो मेंट होती है पैसे का आउटफ्लो होता है सो नेगेटिव आइटम गुडविल अगर अमोटाइज होगी तो ऑपरेटिंग में और अगर गुडविल को हमने परचेज किया है इंटेंजिबल एसेट को परचेज किया है सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम प्लस और माइनस मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी uh, आइटम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लाइक लॉस ड्यू टू फायर लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक सो इट डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमें एक्सपेंस या इनकम जैसे भी गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको प्लस माइनस कर देंगे देन वी विल गेट द फाइनल आंसर अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इन केस अगर ये नेगेटिव आता है तो हम लिखेंगे कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सो नर्सल में हम ये बोल सकते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंसर्नड विद द फिक्सड एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और अगर हम उसको परचेज करते हैं तो वो नेगेटिव आइटम होगी अगर उसको सेल करते हैं तो पॉजिटिव होगी फाइनल आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो फ्रॉम वर्ड यूज करते हैं अगर नेगेटिव आता है तो यूज्ड इन वर्ड यूज करते हैं